राजधानी दिल्ली के उपनगरी द्वारका सेक्टर 11 स्थित डेडीए पार्क में दिल्ली का सबसे अनोखा छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ एक साथ 27 कृत्रिम छठ घाट बनाए गए हैं। इन घाटों को पक्का कर स्वच्छ जल भरा गया है। घाटों का नाम पूर्वांचल के चर्चित जगह प्रसिद्ध लोगों के साथ अन्य तरह के विशेष नामों पर रखा गया है, जो काफ़ी अलग और अद्भुत दर्शाता है। घाट के बगल में सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है। इसके साथ ही हवन मंडप का निर्माण भी किया गया है। सुबह के वक्त सूर्य गायत्री मंत्र के साथ व्रति व हवन करने की व्यवस्था की गई है। व्रति को अग्रह देने के लिए विशेष रूप से गाय का दूध व गंगा जल की व्यवस्था भी की हुई है। खास बात यह है कि छठ को डिजिटल लाइट्स किया गया है। द्वारका सेक्टर 11 पर आने वाले छठ व्रती के परिवार अगर पटना, बनारस या देश में किसी भी कोने पर बैठे हैं तो वह छठ पूजा करते हुए अपनों को देख सकते हैं। इसके लिए वह हर घाट पर एक लिंक भेजेंगे, जिसे व्रती अपने परिवार को मोबाइल के जरिए भेज देंगे। पूर्वांचल पूजा समिति के अध्यक्ष रोबिन सिंह व अन्य श्रद्धालुओं ने मीडिया से बात की। 11 में जो द्वारका छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया, किस तरह की तैयारी है और कितने घाट यहाँ पे बने? ये हम सभी के लिए 19वां छठ पूजा महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है और 27 घाटों का निर्माण किया गया है। साथ ही ये पूजा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए रख रही है कि पिछले छठ पूजा पे हम सब ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग सूर्य मंदिर का निर्माण करना चाहेंगे और इस वर्ष वो संकल्प पूरा हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2 दिन पहले ही सूर्य मंदिर के लिए समिति ने स्थान को ले लिया है, खरीद लिया है। तो ये एक बड़ी विशेष हम लोग के लिए इस बार पूजा होने जा रही है सभी भक्तों के लिए। और जो 27 घाट यहाँ बनाए गए हैं, सभी पे आप देखेंगे कि अलग अलग नामकरण इनका किया गया है। ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम पे, भारत की नदियों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, अच्छे जो हमारे लेखक रहे रामधारी सिंह दिनकर जी और फणीश्वर नाथ रेणु जी, उन सब के नाम पे किया गया है नामकरण। ये इसका प्रयास केवल इतना ही है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम लोग बता सकें। तो जो हमारी संस्कृति है छठ पूजा का आयोजन हम लोग अपनी संस्कृति के तहत और आस्था के लिए हम लोग करते हैं, साथ ही साथ अपने गौरवशाली परंपरा को बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पर घाटों का नाम हम लोगों ने रखा। सर, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी बाहर भी सुविधा की हुई है पार्किंग को लेके, या जो लोग यहाँ व्रत रखते हैं शायद उनके लिए भी विशेष सुविधा होती है, जैसे दूध की, चाय की, क्या ऐसे भी कुछ आता है? बिल्कुल, पार्किंग की व्यवस्था तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग की वजह से किसी और लोगों को परेशानी ना हो। अब रोड पे अगर गाड़ियाँ खड़ी होंगी और यहाँ पर बहुत क्योस हो जाएगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा, तो हमारी वजह से जिन लोगों को भी असुविधा होगी तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को ही कोसेंगे, पूजा को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई असुविधा ना हो। और जो यहाँ पे सुरक्षा का प्रबंध किया गया है वो इसलिए किया गया है जिससे कि लोगों को यहाँ पे एक सुरक्षा का भाव रहे और बेझिझक बिना डर के लोग यहाँ पर आएँ और निर्भीक होकर अपनी पूजा करें। सर, जिस तरह यहाँ पे 27 घाट बनाए गए और पानी भरा गया, इसके बाद इस पानी का क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, इस घाट जैसे कल पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मोटर लगा के ये सारे जल को वापस हम लोग टैंकर में भरवाते हैं और टैंकर में भरवा के आसपास के पेड़ पौधों में, पार्कों में उन पानी को, जल को हम लोग वापस देते हैं। उसके पीछे मनोभाव यही है कि जो हमें प्रकृति ने हमें जैसे दिया है हमारे सुविधा के लिए, उसी प्रकार से हम प्रकृति को वापस वो चीज़ वापस प्रदान करें, उसे वेस्ट ना करें। तो अब सबसे पहले तो छठ मैया की जय, बहुत बहुत धन्यवाद छठ भगवान जी की, छठ मैया की, कि हम लोगों को यहाँ फिर से 2 साल आने का मौका मिला। क्या सुविधा मिली? सुविधा तो अभी तो हम आए हैं, सुविधा तो पहले जैसी है, उससे अच्छी और अच्छी हो गई है। काफ़ी सजावट और सारी व्यवस्था पूजा की बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप लोग प्रसाद भी लेके आते हैं, प्रसाद में क्या क्या लाते हैं? प्रसाद में जैसे फल और फ्रूट सब कुछ होता है, सब्जियाँ भी होती हैं, और स्पेशली वो जो आटे का ठेकुआ बनता है वो सबसे स्पेशल पूजा प्रसाद होता है। कितने दिन पहले तैयारी हो जाती है छठ पूजा की? छठ पूजा तो वैसे 3 दिन का होता है,
नहाए खाए खरना और फिर सुबह का अर्घ और फिर संध्या अर्घ। तो तीन दिन पहले से तैयारी होने लगती है। हम लोग गोधन के बाद गेहूं वगैरह धुलते हैं, गोधन के पहले नहीं धुल सकते, गोधन के बाद गेहूं धुलते हैं खुद हाथ से और खुद सुखाते हैं सामने बैठ के, उसके बाद खुद पिसवाते हैं, फिर ठेकुआ तैयार करते हैं पूजा के लिए और वो गुड़ का बनता है ठेकुआ, गुड़ का और सुजकी में और फल फ्रूट में होते हैं सारे जैसे हल्दी अरवी मूली गन्ना और सारे फ्रूट मतलब नारियल केला नींबू मतलब बहुत सारे फल बोड़ा ये सब कुछ होता है उसमें। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये पहली बार मैं यहाँ से चंडीगढ़ से कोचिंग आया हूँ बैंक में और पहली बार देखा हूँ इतना अच्छा व्यवस्था शहर में, बिहार से बिहार के आगे अलग जगह नहीं नहीं पहली बार।